वेलकम बैक टू अर आइव ऑनलाइन क्लासेज दिस इज़ प्रोवीन हेयर हम लोग बॉडी ऑर्गन्स की सीरीज कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पिछली वीडियो में हमने पेंक्रियाज को कम्प्लीट किया था और लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने लिवर दो अभी तक बॉडी ऑर्गन्स किए हैं और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज आई ये कंप्लीट करने वाले हैं ये जो सीरीज़ है मैं बता दूं आपको इसमें इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे जो बहुत सारे एग्जामिनेशन को देखते हुए बनाए गए हैं और ये पॉइंट्स आपको इस तरीके से प्रेजेंट किए गए होते हैं जो कि आपको इजीली अंडरस्टूड हो सके और इसमें इमेज़ का और यहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ भी किया गया है ताकि हर एक पॉइंट को ईजिली जो है वो आपके लिए प्रेजेंट किया जा सके और आप उसको ईजिली समझ सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ह्यूमन आई आई हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है क्योंकि वो हमें विजन में हेल्प करता है हेल्दी पेयर ऑफ आई मीन्स क्लियर विजन विच प्ले मेजर रोल इन डे टू डे लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस हमारी आईज हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज ह्यूमन हैव बाई विजन विच मीन्स कि हमारी जो दोनों आई हैं बोथ आई क्रिएटेड अ सिंगल कंबाइंड इमेज दोनों आइस का कॉम्बिनेशन से एक सिंगल इमेज क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ रेटिना ऑप्टिकल कंपोनेंट क्रिएट एन इमेज विच फर्दर गेट परसीव्ड बाय ब्रेन वाई कनेक्टिंग न्यूरॉन हमें देखने के लिए सिर्फ आई की ही ज़रूरत नहीं होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिल के हमारे विज़न में हेल्प करते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक अकेली आई हमें देखने में मदद कर सकती है अगर हमारा, तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसलिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल के एक इमेज की फॉर्मेशन करते हैं तो उस फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं अगर जर्नल अनोटमी की बात करें हम आई की तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है आप इमेज में देख सकते हो और यहाँ पे कॉर्निया लेंस रेटिना मैक्यूला जिसको हम लिटिया भी कहते हैं ऑप्टिक नर्व विट्रस बॉडी एट्सट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हम सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सारे ईजीली हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अगर हम एक्सटर्नल बाहर से जब आई को देखते हैं तो यहाँ पे हमें कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं लेट्स सी दिस आईलिट होता है प्यूपिल होता है ठीक है जो ये अंदर वाला पोर्शन है जो आपको डार्क कलर दिख रहा है ये प्यूपिल है इसके बाहर ये जो वाइटिश लेयर आपको दिख रही है ये पोर्शन क्या है स्क्लेरा है और ये आपका क्या पोर्शन होता है आइरिस होता है स्टूडेंट्स मैं बता दूँ ये जो ये पोर्शन आपका आपको दिख रहा है कुछ लोगों का ये ब्लैक होता है कुछ में ये ब्राउन होता है कुछ में ये ब्लू भी होता है ठीक है मतलब इसकी शेड अलग अलग हो सकती है आई कलर जिसको हम कहते हैं तो जो आइरिस होता है ये आई में आई कलर प्रोवाइड करता है ठीक है यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको ये आई को आई कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है नेक्स्ट डिटेल्ड स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए अदरवाइज़ मैंने एक और स्ट्रक्चर ऐड किया जिसमें हम हर एक लेयर को देखेंगे ओके okay? चलिए आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तो पहले हम एक्सटर्नली हमें जो दिखाई देता है आई का पार्ट उसके बारे में बात करेंगे आई को हम बायोलॉजिकल कैमरा भी कहते हैं क्यों क्योंकि हमें देखने में मदद करता है आईलिट्स सबसे बाहर वाला आई का पार्ट होता है आईलिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट है जो कि हमें आपको पता है ये आईलिट्स आपके क्या डस्ट वगैरह बाहर से आती है उसको रोकने में मदद करता है इसलिए इसको हम क्या शटर भी कहते हैं और ये एज अ बैरियर एक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वामेंट के लिए ठीक है बाउंड्री ऑफ आई आर कवर्ड बाई टाइनी हेयरलाइन टर्म डज आई जो हमारी आई लेश हैं वो बाउंड्री बनाती हैं ठीक है नेक्स्ट कॉर्निया इट इज़ द फर्स्ट ऑप्टिक कंपोनेंट ऑफ आई मशीनरी डीलिंग फर्स्ट हैंड विद द इनकमिंग लाइट बाहर से जो लाइट आ रही है सबसे पहले वो कॉर्निया पे पड़ती है इसका मतलब है फर्स्ट हैंड मतलब फर्स्टली डील करता है ये इनकमिंग लाइट से इट्स फंक्शन इज प्राइमरी फिल्टर बिफोर पासिंग द लाइट इनटू द लेंस इन रेटिना रेटिना लेंस आता है पहले उसके बाद रेटिना आएगा इनमें पास होने से पहले लाइट जो है कॉर्निया से पास होती है स्टूडेंट्स मैं बता दूँ आपको कॉर्निया से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजली क्या होता है ह्यूमन आई को डोनेट किया जा सकता है आपको पता है कि आफ्टर डेथ भी आई को डोनेट किया जाता है और उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो आफ्टर डेथ डोनेट होता है तो वो कॉर्निया है ये क्वेश्चन रहता है क्योंकि कॉर्निया में ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होता है नॉन वैस्कुलर रीजन इसको कंसीडर किया जाता है इसलिए आफ्टर डेथ भी इसको डोनेट किया जा सकता है नेक्स्ट आयरिस तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कलर होता है किसी की आई का किसी पर्सन की आय का वो इस आयरिस की वजह से होता है कि क्योंकि इसमें पिगमेंट कलर्ड पिगमेंट होते हैं ये फ्रंट ऑफ आई बॉल ठीक है आप देख पाते हो कि फ्रंट में जो है वो आईबॉल का फ्रंट पोर्शन उसको बनाता है पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू एट्सेट्रा इन कलर को प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को और ये डेफिनेट पिगमेंटेशन की वजह से होता है सेंट्रल अपर्चर अब आपको मैंने कहा कि जैसे ये मान लो आयरिस है इसके बीच में छोटा सा जो अपर्चर होगा जिसको हम क्या कहेंगे प्यूपिल कहेंगे राइट right? आगे हम प्यूपिल की बात करें अगर तो प्यूपिल एक सर्कुलर शेप है ये अलाउ करता है लाइट को टू पास थ्रू इनटू और कहाँ तक जाती है वो लेंस में जाती है जस्ट लाइक द अपर्चर ऑफ कैमरा जैसे कि कैमरा का एक अपर्चर होता है वैसे ही ये प्यूपिल एक्ट करता है हमारी आई का एक अपर्चर ठीक है बायोलॉजिकल कैमरा कहा आई को इट ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट जब जो है देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कई बार क्या होता है अगर आप दिन में कहीं ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं जहाँ से डायरेक्ट लाइट आ रही है मान लो आप सन की तरफ देख रहे हैं तो आप आंखें इस तरीके से छोटी छोटी कर लोगे ऐसे थोड़ी थोड़ी बंद कर लोगे है ना और अगर आप नॉर्मल एरिया है ठीक है जहाँ पे बिल्कुल कम लाइट है डिम लाइट है तो आप अपने प्यूपिल थोड़ा ऐसे देखोगे आंखें बड़ी बड़ी करके देखोगे ये दोनों पोजिशन होती हैं आई की जिसमें प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या डायलेट कर लेता है खुद को ठीक है तो अगर ब्राइट लाइट होती है ठीक है प्यूपिल जो है ब्राइट एनवायरनमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है और अगर डार्क एनवायरनमेंट है या बिल्कुल डिम लाइट है वहां पे ये डायलेट करता है खुद को ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है नेक्स्ट यहां पे मैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बात करूंगी क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ आई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है सबसे पहले मैं आपको लेयर्स की बात कर लेती हूँ देखिए स्टूडेंट्स आई का जो पोर्शन होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं बाहर से अगर हम बात करें सबसे बाहर वाली लेयर पहले आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आई की तीन मेन लेयर्स होती हैं वन टू एंड थ्री ये आई की लेयर सबसे बाहर वाली का नाम स्क्लेरा याद रखना है आपको सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर जो है वो स्क्लेरा इसे हम कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है एज गिवन इन एनसीआरटी हैविंग दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच मीन्स हाईली ब्लड सप्लाई इसमें होगा सेकेंड बात करेंगे हम कोरोइड लेयर की कोरोइड लेयर मिडल लेयर ऑफ आई होती है इसमें भी ब्लड वेसल्स होते हैं और जनरली ये ब्लूइश कलर की दिखती है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एन से दे रही हूँ आप एज इट इज़ इसको लिखेंगे नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करेंगे जो ये कोरोइड लेयर है जो कि सेकेंड लेयर है ये आई के इस वाले पोर्शन से क्या होती है एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ इस पोर्शन से ये क्या होती है थिन होती है और यहाँ पे इस पोर्शन में ही थोड़ी सी थिक होती है नियर दी सीलियरी मसल्स ओके तो पहले तो आपने हेडिंग लिख लिया कि आपने सबसे पहले लेयर्स ऑफ आई लिख लिया तीन लेयर्स इसमें रेटिना की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये अलग एक सेपरेट छोटा सा टॉपिक है तीन लेयर्स सबसे बाहर वाली स्क्लेरा मिडिल कोरोइड इनर मोस्ट इसमें रेटिना होती है अब देखिए अब आ जाते हैं हम फ्रंट वाले पार्ट पे तो फ्रंट वाले पार्ट में सबसे बाहर क्या आपका कॉर्निया होता है जहाँ पे सबसे पहले स्ट्राइक करती है लाइट मैंने आपको बताया फिर वो लेंस से होती हुई रेटिना पे जाती है इसमें क्या होता है यहाँ पे एक चैम्बर होता है जिसमें स्पेशल फ्लूड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर उस फ्लूड का क्या नाम है एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे इस पोर्शन में भी क्या होता है फ्लूड फिल्ड होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर ठीक है विट्रस बॉडी इज फिल्ड विद द विट्रस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर यहाँ होगा और एक्वस ह्यूमर यहाँ होगा ये यह दोनों चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आइलेंस होता है ठीक है आइलेंस की शेप आपकी कॉन्वेक्स होती है बाई कॉन्वेक्स और यहाँ पे ये अटैच्ड होता है विद दी हेल्प ऑफ लिगामेंट्स किस चीज़ से अटैच होता है लीगामेंट्स से आप यहाँ पे देख सकते हो सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है और ये जो मसल्स हैं ये सीलियरी मसल्स होती हैं जिनकी हेल्प से जो है ये अटैच्ड होता है आई की लेयर के साथ तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके बाद यहाँ पे आ जाइए यहाँ लास्ट पोर्शन पे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊं अच्छा चलिए मैं दूसरे डायग्राम में इस चीज को क्लियर करती हूँ ये देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में आए के जहाँ पे नर्व फाइबर्स होते हैं बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट होता है एक्चुअली डॉट लाइक होता है वो सिर्फ छोटा सा डॉट लाइक होगा जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट उसको हम क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं जो कि बिल्कुल आपका जो नर्व्स यहाँ पे होंगी इनके बिल्कुल सामने होगा ब्लाइंड स्पॉट और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ओके okay? अब इस ब्लाइंड स्पॉट को क्यों ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स वो यहाँ पे एबसेंट होती हैं मतलब इस रीज़न में नहीं होते हैं इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं आगे हम बात करेंगे इन सेल्स की सेल्स ऑफ आई के बारे में बात करेंगे तब फोटो रिसेप्टर सेल्स को डिस्कस करेंगे अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं राइट right? ओके okay. क्योंकि अभी इसका यहाँ पे ये मैक्यूला लिटिया फोविया ये आगे आएंगी टर्म्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहाँ पे ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी ठीक है ये जो पोर्शन है मतलब यहाँ पे छोटा सा एक रीज़न होता है ठीक है डॉट की तरह वो फोविया होता है और यहाँ पे इसका पूरा ये इसके बाहर वाला रीज़न इसको मैक्यूला लिटिया कहते हैं क्या इसका रोल होता है क्यों यहाँ पर होता है ये क्योंकि आइज ऑफ सेल से रिलेटेड टर्म्स हैं तो हम आगे इनको डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई से मेन चीज़ें होती है कि इसकी लेयर्स नहीं है कौन सी कहाँ पे है और हाई वेस्कुलर सप्लाई सबसे ज्यादा स्क्लेरा में होती है कोरोइड में भी वेस्कुलर सप्लाई होती है यूजुअली ये ब्लूइश कलर की दिखती है रेटिना में क्या होता है आपका इमेज बनती है रेटिना को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंटरनल कंपोनेंट में आईलेंस जो कि कन्वेक्स होता है और बाईकन्वेक्स भी आपको कई जगह मिलेगा Next, membrane of lens is called lens capsule. लेंस इज होल्ड बाई लिगामेंट जिनको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं मैंने आपको अभी इमेज में बताया और सीलियरी मसल्स की हेल्प से वो एकदम पकड़ा हुआ होता है दोनों साइड से कि कहीं एक एक जगह से मूव ना करे इस तरीके से राइट और ये बना किस चीज़ से होता है ऐसा थोड़ी है लेंस जैसे शीशे का होता है हम अपनी चश्मे वग़ैरह में लगाते हैं तो वैसा होता है तो उससे तो हमारी आइज़ डैमेज हो जाएंगी लेकिन वो जो होता है स्पेशल प्रोटीन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना होता है जिनका नेम है क्रिस्टेलेंस राइट नेक्स्ट रेटिना रेटिना हमारी आई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वैसे सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है बट वाई रेटिना इज सो इम्पॉर्टेंट क्यों क्योंकि उसमें बहुत तरह की स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि देखने में मदद करती हैं इमेज की फॉर्मेशन में मदद करती है ओके okay? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गेंगलियन सेल की गेंगलियन सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेटिना का पोर्शन ही डिटेल में बताया गया है ताकि उनकी सेल्स को अंडरस्टूड किया जा सके तो यहाँ पे ये जो सेल है यहाँ पे ये है आपकी गेंगलियोन सेल अब इसका फंक्शन लिख लीजिए ये क्या करती है ऑप्टिक एग्जॉन की फॉर्मेशन करती है ऑप्टिक एग्जॉन का हिस्सा होती है सेकेंड हम बात करेंगे बाईपोलर सेल की आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बाईपोलर सेल है राइट right. यहाँ पे ये वाली सेल्स क्या हैं बाइपोलर सेल्स हैं ये न्यूरॉन होती हैं एज अ न्यूरॉन एक्ट करती है सेंसरी और कंडक्टिंग पार्ट दोनों का काम करती हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो रिसेप्टर सेल्स की यहाँ पे लिख रखा है कोन एंड रॉड ये दोनों ही फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हैं रॉड एंड कौन सेल दो सेल्स अब ये दोनों पे मैं डिटेल बात करने वाली हूँ रॉड सेल्स एंड कौन सेल पर और आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ यहाँ पे राइट तो देखिए फोटो रिसेप्टर सेल्स में वन इज कौन सेल एनदर वन इज़ रॉड सेल्स इनमें से एक हमें ब्राइट विजन में देखने को हेल्प करती है और एक डिम लाइट में यूजअली मतलब शाम का टाइम या रात का टाइम इस तरीके से आर फॉर रात तो यहीं से ध्यान रखेंगे कि डिम लाइट के लिए जो हेल्प करती है हमें ट्वी लाइट में वो कौन है रॉड सेल है और कौन इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट लाइट में ठीक है इसलिए इसको हम फोटोपिक सेल्स भी बोलते हैं डे लाइट में हमें हेल्प करते हैं सेकेंड यहाँ पे आप लिख लेंगे रॉड सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स मैं आपको लिखाऊंगी दैट इज स्कोटॉपिक स्कोटॉपिक वर्ड का मतलब होता है कि ट्वी लाइट कम लाइट में हमें देखने में मदद करती है ठीक है अब रॉड सेल्स में रॉड सेल में क्या होता है पर्पल रेड ठीक है पर्पल रेड कलर का क्या होता है इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है पर्पल रेड कलर का प्रोटीन किसमें रॉड में उसका फंक्शन देखते हैं और उस प्रोटीन का नाम है दैट इज रोडोपसिन ये हमें मैकेनिज्म ऑफ आई जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे ये विजन में हेल्प करते हैं किस तरीके से मैंने आगे फ्लो चार्ट ऐड करा है तो उसमें रोडोप्सिन का रोल हम देखेंगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है रोड सेल और कौन सेल के बारे में कब कौन सी सेल हेल्प कर रही है हमें देखने में ठीक है और ये जो मैंने आपको प्रोटीन बताई रोडोपसिन प्रोटीन बताई ये एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का क्योंकि इसका ही आई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेरिवेटिव ऑफ़ विटामिन ए है इसीलिए कहते हैं कि विटामिन ए हमें आई की हेल्थ के लिए आईज़ के लिए अच्छी होती है क्योंकि इसका रोल है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं फ्लूट जो मैंने आपको बताया स्पेशल फ्लूड फिल्ड होता है एक विट्रस ह्यूमर बताया एक मैंने आपको आ, दूसरा एक्वस ह्यूमर बताया दोनों से मैं कुछ क्वेश्चन विद ट्रिक्स आपको बताऊंगी देखो एक होता है लेंस वन सेकेंडो एक होता है कि फ्लूड अगर फील्ड है आपका लेंस और कॉर्निया के बीच में आप इसको पूरा लिख लीजिए लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूट होता है और दूसरा होता है लेंस एंड रेटिना के बीच में ठीक है लेंस एंड रेटिना के बीच में तो कॉर्निया सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है और रेटिना तो मैं इसको कुछ ऐसे बनाती हूँ कि लेंस बीच में आता है तो बाहर इसके कॉर्निया आता है और सबसे इनरमोस्ट इसका रेटिना आता है एक फ्ल्यूट होगा यहाँ पे फिल्ड और एक होगा यहाँ पे फिल्ड दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों को कैसे याद रखना है यही मैं आपको विद ट्रिक बताऊंगी सबसे पहली बात यहाँ पे कॉर्निया एंड लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है आप इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे एक्वस ह्यूमर और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर होता है ठीक है विट्रस ह्यूमर दूसरी चीज आप नोट करेंगे यहाँ पे कि विट्रस ह्यूमर जो है वो जेल की तरह होता है ये क्या जेल की तरह होता है और ये वॉटरी होता है एक्व ह्यूमर वॉटरी होता है ये भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में अब याद कैसे रखेंगे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा फ्लूइड फिल्ड होता है तो वहाँ पे कई बार विट्रस ह्यूमर करके हम आ जाते हैं मतलब कंफ्यूज हो जाता है हमें पेपर में क्योंकि पेपर का प्रेशर इस तरीके का होता है कि हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो दोनों को कैसे याद रखेंगे देखिए अब लेंस और कॉर्निया ठीक है लेंस और कॉर्निया तो लेंस में सी सी वर्ड आप ध्यान रखेंगे ए बी सी डी में सी पहले आ रहा है मैं ऐसे ए बी सी डी में क्या पहले आ रहा है लेंस दोनों में कॉमन है तो हम लेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हम कॉर्निया और रेटिना को कॉर्निया ए बी सी डी में पहले आ रहा है ठीक है और रेटिना ए बी सी डी में थोड़ा दूर बाद में जाके आ रहा है ठीक है तो वैसे ही दो हमारे पास फ्लूड है एक है एक्वस ह्यूमर और दूसरा है विट्रस ह्यूमर ए बी सी डी में पहले इन दोनों में से कौन सा आ रहा है ऑब्वियसली ए तो जो चीज़ पहले आ रही है उसको हम पहले वाले लेटर के साथ लगा रहे हैं और जो दूसरी चीज़ जो लेट आ रही है उसको दूसरी चीज़ के साथ लगा रहे हैं आप इस तरीके से इसको माइंड में रख सकते हो कुछ ऐसे ट्रिक्स कई बार काम कर जाती है बहुत सारे टॉपिक होते हैं सबके लिए ट्रिक्स लर्न करना इट इज़ डिफ़िकल्ट लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम ट्रिक रख सकते हैं याद और वैसे ही मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताती रहती हूँ बीच बीच में जो कि डेफ़िनेटली आपको काम करती हैं ओके okay, तो इस तरीके से आप ये दोनों फ्लूड याद रखेंगे दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं चलिए बात करते हैं रेटिना अच्छा यहाँ पे मैंने ये कटिंग लगाया है एन का देखो स्टूडेंट्स मैं आपको वैल्यू ऑफ एन बताती हूँ एन पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैं आपको हर एक वीडियो में कहती हूँ एन कंटेंट पढ़ा करो क्योंकि देखो ये जो एक पेज है एन का इसमें देखो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के रखी है और सारी इन्फॉर्मेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ भी हाईलाइटेड बस ये लेंस है हाईलाइटेड रेटिना है रॉड कौंसेल्स हैं लेकिन इनके बारे में बीच में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पेज क्लियर नहीं है पर आप सुनना मुझे ध्यान से ठीक है अब जो चीज़ें मैंने आपको कही ठीक है वो सारी चीज़ें इसमें इन्वाल्ड हैं जैसे लेंस की बात करें कि लिगामेंट से अटैच होता है सीलेरी बॉडी से होता है इसमें क्या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन ये स्ट्रक्चर होता है और अपर्चर एक होता है लेंस के फ्रंट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम प्यूपिल कहते हैं वही चीज़ें और मैंने आपको जो चीज़ समझाई प्यूपिल के बारे में कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डायलेट होता है उसका डायमीटर चेंज करता है वो जो है मसल फाइबर होते हैं आयरिस में वो कंट्रोल करते हैं उसको ठीक है फिर रेटिना के बारे में कि थ्री लेयर्स होती हैं इसमें न्यूरल सेल्स की जिसमें गैंग्लियन सेल बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल्स हमने की जिसमें रॉड एंड कोन सेल्स ये सारी चीजें हमने यहां पे की ठीक है ये सारी चीजें ट्वीलाइट टॉपिक ये सारी चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें लिखा होता है देखो डायरेवेटिव ऑफ विटामिन ए ठीक है वही चीज रोडोपिन के बारे में मैंने आपको बताया वो सारी चीजें एनसीआरटी में गिवन होती हैं बस थोड़ा सा ये होता है एन सी हमें बोरिंग लगती है पढ़ना लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने पास एनसीआरटी जरूर रखें ठीक है ज्यादा महंगी एन होती भी नहीं है ठीक है ओके नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन है जिसको हम फोविया कहते हैं और ये अगर डिटेल में देखे को इस तरीके से ये डिप्रेशन यहाँ पे बना देता है क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि वेयर फोविया इज प्रेजेंट इन द आई तो आपका आंसर होगा रेटिना कि रेटिना की जो लेयर है उस पर ये प्रेजेंट होता है फोविया पे क्या होता है ओनली यहाँ पे ओनली कौन सेल्स प्रेजेंट होंगी कौन सी सिर्फ कौन सेल्स प्रेजेंट होंगी और इसलिए क्योंकि कौन सेल हमें क्या हेल्प करती हैं डे लाइट में शार्प विज़न के लिए हेल्प करती हैं इसलिए फोविया जो है हेल्प करता है हमें शार्प विज़न में ठीक है और जैसे हमारी जैसे हम कुछ लिख रहे हैं देख रहे हैं सोच रहे हैं कुछ है ना इस तरीके का हमारा सारा मेकेनिज्म इन्वॉल्व है ठीक है तो वहाँ पर हमारा शार्प विज़न चलेगा ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसके साथ में यहां पे मैंने आपको बताया है एक स्पॉट जिसको हमने ब्लाइंड स्पॉट कहा वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स एबसेंट होती है इसलिए उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ विजन हम हमें दिखता कैसे है हमने कोई चीज़ देखी वो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक फिर जाके वो चीज़ आइडेंटिफाई होती है तो सबसे पहला पॉइंट है पहली बात जो लाइट बाहर से आएगी वो रिटीना पे फोकस होगी उसके बाद सेकंड क्या होगा लेंस और कॉर्निया जो है इम्पल्स जनरेट करेंगे किन में रॉड एंड कॉर्न सेल में फिर उन्हीं की वजह से तो हम देख पाएंगे फिर लाइट डिसोसिएशन होगी ठीक है उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे रोडोप्सिन एंड ऑप्सिन ये दोस्त स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं इन दोनों में स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से ये क्या करेंगी मेम्ब्रेन ऑफ आई को परमिएबल कर देंगी ठीक है आफ्टर दैट इसके बाद स्टूमुलस जो है जनरेट होगा सेल्स ऑफ आई में ठीक है वो पास होगा गेंगलियोन सेल से विद द हेल्प ऑफ बाईपोलर सेल और वो फिर नर्व इम्पल्स जो है वो ऑप्टिव नर्व के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी टू द ब्रेन और ब्रेन का जो ऑसिपिटल लोब है वो पार्ट आइडेंटिफाई करेगा कि हमने क्या देखा और वो क्या चीज़ है फिर वापस सिग्नल आएगा आइज़ को कि ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली और वो ब्रेन अंडरस्टैंड उसको कर लेगा ठीक है मतलब सिग्नल जो है वो आई से ब्रेन तक गया ब्रेन ने आइडेंटिफाई कर लिया फिर उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देना है वो सिग्नल वापस आता है कैसा रिस्पॉन्स होगा मोटर रिस्पॉन्स होगा जो भी हमारी बॉडी का फर्दर रिस्पॉन्स होगा वो ब्रेन उसको आगे कैरी आउट करता है तो ये थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई से अब कुछ क्वेश्चन मैं और एक्स्ट्रा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ राइट चलिए फर्स्ट सबसे पहले आइज़ लोकेटेड कहाँ होते हैं कहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं सॉकेट ऑफ स्कल अब सॉकेट ऑफ स्कल को हम जो है क्या कहते हैं और तो यहाँ पे हम उसको ऑर्बिट कहते हैं तो ऑर्बिट में आइज लोकेटेड होती हैं ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आ, ल, कलर है कोरोइड लेयर का वो कैसा होता है तो मैंने अभी बताया आपको कि वो ब्लूइश होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आई का जो कलर है वो किस वजह से होता है तो आइरिस की वजह से होता है इसमें जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से होता है अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आइज़ हमारी जो हैं वो एज अ सेंस एक्ट करती हैं तो उनमें स्पेशल तरह के बैरियर्स भी होते हैं तो वहाँ पे क्या आपको पता है टीयर्स क्रीट होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और डस्ट पार्टिकल को अवॉइड करता है और उनसे हमें बचाता है और ये जो स्क्रीशन होती है ये स्पेशल ग्लैंड क्रिएट करते हैं हमारी आइज़ में ऑयल ग्लैंड भी होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे देखो जो वाटर स्क्रीशन टर और ऑयल हैं ये दोनों स्पेशल ग्लैंड से स्क्रिएट होते हैं कैसे स्क्रीट होते हैं कौन स्क्रीट करता है ये मैं छोटी सी वीडियो डालूंगी बायो बूस्टर सीरीज में तो एक दो दिन में ये डालूंगी मैं इसको देख लेना आप छोटी सी पाँच सात मिनट की वीडियो गई इसीलिए मैं इसको अलग ही प्रिपेयर कर रही हूँ तो ये आप अलग ही देखेंगे और साथ में इसके मैं बोन्स ऑफ ईयर छोटा सा टॉपिक है उनकी शेप आ जाती है कई बार हाई एग्जाम्स में तो वो मैं अलग से दो छोटे वीडियोज़ डालूंगी बायो बोस्टर सीरीज़ में सेपरेट रहेगा वो टॉपिक ओके नेक्स्ट जो आपकी आई है ठीक है अगर आई में जो है कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है और क्यों ज़रूरी होती है सॉरी विटामिन ए यहाँ पे होगा विटामिन ए ज़रूरी होती है क्योंकि रोडो रोडोप्सिन जो प्रोटीन है उसका वो एक डेरिवेटिव होता है अब आई के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं एक होता है आपका एक टर्म होती है दैट इज़ एक्मोडेशन एकोमोडेशन क्या है ये एक एबिलिटी है आई की टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ठीक है ये एक एबिलिटी है आई की एडजस्ट करना फोकल लेंथ को अब दूसरी टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया ये क्या है जब जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो जब डिक्रीज़ हो जाती है ठीक है पावर ऑफ अकोमोडेशन का डिक्रीज़ होना फिर मायोपिया होता है एक मायोपिया ठीक है मायोपिया में क्या हो जाता है जब कोई इंसान जो है वो फार चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा है ठीक है हाइपर मायोपिया जब नज़दीक की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पा रहा है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है Okay. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आई आई होप हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने है. हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं लेयर्स से और जो रेटिना से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्यूला ल्यूटिया से क्वेश्चन ठीक है मैकेला ल्यूटिया कहाँ होता है जो आपका आई के ऊपर रेटीना के ऊपर जो एक ग्रूव बना होता है ठीक है इस तरीके से जहाँ मैंने आपको कहाफोविया होता है उसके सामने का जो एरिया होगा ये मैक्यूलाटिया होगा राइट तो ये चीज़ आपको क्योंकि मैकेला वर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर ईयर जो वहां पर मेंटेन करता है तो मैक्यूला ल्यूटिया और मैक्यूला दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है खुद से ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन मैं आपको ईयर ही करवा दूंगी ईयर कर लेंगे या फिर हमारा दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमारा बॉडी ऑर्गन दैट इज़ हम वैसे वो बॉडी ऑर्गन नहीं है दो तीन कंपाउंड बॉडी ऑर्गन उसमें आ जाते हैं जैसे बकल कैबिटी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपका टंग और आपका पूरा टीथ वगैरह ये वैसे ऑर्गन नहीं कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं इनको लेकिन यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं इसलिए मैं इनको कंसीडर करूँगी इस सीरीज़ में बिकॉज इंपॉर्टेंट हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय हैव है नाइस टाइम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस जैसे कि मैं आपको यहां बता दूं कि हमने टॉप हंड्रेड एन क्वेश्चन की सीरीज जो है जिसमें क्लास वाइज ये क्लास प्लस टू के लिए सीरीज सेपरेट है जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद एक सीरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एच टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एच टेट क्वेश्चन जो है वो डाले है, वो क्लास प्लस वन क्लास प्लस टू के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है है एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की दैट इज अ टारगेट एचपी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायो मॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है बायो मॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचपी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उस हम जो है अपलोड करते हैं इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे क्लास प्लस वन की टॉप हंड्रेड एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास प्लस वन से भी किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्ले आपको मिल जाएगा जिसमें हमने डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है क्लास नाइन की बायोलॉजी है ठीक है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास प्लस टू की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी टेंथ क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास प्लस वन का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले फॉर यू यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज़ दे मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय thank you